खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बता दें कि जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि गढ़वाल के अधिकांश हिस्सों में भी इस दौरान बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने यह कहा है कि इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर नदियों और नालों के पास जाने से बचें, ताकि भारी बारिश के कारण जल स्तर बढ़ने से किसी तरह की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही अनावश्यक आवाजाही से बचें, ताकि जान माल का नुकसान न हो। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बिल्कुल, हमने जो उत्तराखंड के लिए फोरकास्ट है वो जारी की हुई कल से ही, जो है 1 तारीख से ही, और हमने बोला है उसमें कि जो है अभी 2 से लेकर के और 6 तारीख तक करीब करीब जो है अच्छी बारिश प्रदेश में वो रहने वाली है, और ज़्यादा जो एक्टिविटी वो कुमाऊं क्षेत्र में वो दिख रही है। तो उसमें कुमाऊं क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो 2, 3, 4 के लिए हमने रेड अलर्ट में उसको रखा है, क्योंकि अभी शुरू में क्या है कि जैसे मानसून फ्लो अब पहुंचा है तो 4-6 दिन अभी कहूंगा कि जब तक थोड़ा जो टेम्परेचर्स इतने हाई थे पहले, और उसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर अभी भी काफ़ी एनर्जी उसमें है और अनस्टेबल है, तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा तेज बारिश जो है थोड़े समय में ही हो जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो है एकदम फ्लैश फ्लड है या फिर जो है छोटा मोटा लैंडस्लाइड है, इस तरह की चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए हमने कुमाऊं रीजन में 2, 3, 4 के लिए रेड अलर्ट रखा है, और उसमें हैवी से वेरी हैवी रेन्स बोली है कि कुछ जगहों तक में उसकी संभावना मिलने की इन दिनों में, और साथ में जो एक्सट्रीमली हैवी रेन्स भी वो भी एकाधुका जगहों में, जैसे कि अंदर का डिस्ट्रिक्ट हमारे पिथौरागढ़ या बागेश्वर है, और ऐसे ही नैनीताल और चंपावत के लिए ये चीज़ बोली गई है। इसके साथ साथ जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है जो लगे हुए हैं, चाहे वो चमोली है या फिर इसी तरह जो है पौड़ी है, और इधर है देहरादून, टेहरी या हरिद्वार है, तो इसमें भी हमने ऑरेंज अलर्ट जो है 3 से 4 दिन के लिए रखा है, क्योंकि यहाँ भी अच्छी बारिश जो है जो अभी मानसून सिस्टम वो एकदम फुटहिल पे आ गया है, और उसकी वजह से यहाँ पर भी बारिश जो है बढ़ेगी, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कत आप देखेंगे कि यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की स्थिति है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट और बच रहे हैं, जैसे उत्तरकाशी है, चाहे रुद्रप्रयाग है या इसी तरह जो है चमोली है, तो उनमें भी आप देखेंगे हैवी रेन्स वहाँ रखा गया है, हालांकि थोड़ा येलो में रखा हमने, लेकिन हैवी रेन अगर जो शॉर्ट ड्यूरेशन में मिल जा रही है तो वो कहीं ना कहीं पे वो दिक्कत कर ही देती है।